हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, हमारे सिटी में वापस से लौट आया है मिस्टर मीट। उसने आते ही बच्चों और बड़ों को पकड़ना चालू कर दिया है, लेकिन इस बार इसकी एक भी चालाकी नहीं चलने वाली है, क्योंकि हमारे सिटी के अंदर पहले से ही पुलिस वाले एकदम एक्टिव हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, हमारी सिटी की सारी फोर्स अकेले मिस्टर मीट के पीछे है। क्या मिस्टर मीट इतने सारे पुलिस वालों को चकमा देकर हमारे बच्चों और लोगों को किडनैप कर पाएगा? लेकिन मिस्टर मीट अगर पुलिस वालों के हाथ में लग गया तो वो लोगों को काटता है, लेकिन पुलिस वाले उसको काट कर समुद्र में फेंक डालेंगे। मालिक, मुझे बदला चाहिए, उसने मेरे सारे भाई बहनों को मार डाला। हाँ पता है मुझे, मिस्टर मीट ने हमारे सारे दोस्तों को मार दिया। हाँ दोस्तों, मिस्टर मीट मेरे पुराने घर पर गया और वहाँ पे जितने भी डायनासोर के बच्चे बड़े थे ना, उन सबको वो मार कर खा गया। अभी हम लोग बदला जरूर लेंगे, और ऐसा बदला लेंगे कि भाई पूरी सिटी देखेगी। बस तू रोए मत, हम बदला जरूर लेंगे। हाँ दोस्तों, ये जितने भी डायनासोर है ना, ये सब मेरी सिक्योरिटी के लिए है, और हम लोग अगर एक साथ रहेंगे ना तो मिस्टर मीट हमें कभी भी नहीं मार पाएगा। बस ऐसा ही कुछ है। और ये दोनों कारें क्या कर रही है भाई? कितनी देर हो गई तुम्हें? मेरी ट्रेन को कहाँ पे लेके जाओगे? चलो भाइयों, इसको छोड़ो। कल रात को उसने मेरे एक और दोस्त को मार दिया। ये देखो भाई, उसकी लाश पड़ी हुई है। अब होगा असली खेल स्टार्ट। हम लोग जाएंगे हमारे पुराने घर पर। तो चलो दोस्तों, चलते हैं। तो भाइयों, हम लोग आ चुके हैं हमारे पुराने घर पर, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रहता। यहाँ पे रहते हैं मेरे डायनासोरों का एक परिवार, लेकिन कल रात को मिस्टर मीट ने उन सबको मार डाला, और कुछ को तो वो खा भी चुका है। लेकिन मेरे को एक डायनासोर दिखा तो सही। भाई तुम कैसे बच गए, और मिस्टर मीट कहाँ पे है? मालिक, मैं तो छुप गया था और मुझे नहीं पता मिस्टर मीट कहाँ पर है। तुम्हें नहीं पता तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी से भाग कर अपने नए घर पे चले जाओ, वरना मिस्टर मीट ने देख लिया तो वो तुम्हें भी मार डालेगा। अरे भाई, मिस्टर मीट ने तो यहाँ पे भाई सच में बहुत ज्यादा तबाही मचा दी। इतने सारे डायनासोरों को मार दिया तो फिर मैं अकेला तो भाई उसके सामने क्या ही टिकूंगा। मेरे को भाई सावधान होने की जरूरत है। मैं जल्दी से अपनी गन निकाल लेता हूँ और ऊपर चलते हैं। भाई शायद मिस्टर मीट हमारे घर पर अभी भी हो। मेरे को सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना भाई वो एक ही सेकंड के अंदर हमें मार सकता है। ये कौन है भाई? ये तो यार इधर भी डायनासोर का बच्चा छुपा हुआ है। इधर हो सकता है, शायद नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। शायद इस पानी के अंदर हो? नहीं, पानी के अंदर भी नहीं है। भाई मेरे को एकदम सावधानी से अपना घर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भाई मैंने दरवाजा खोला तो उसने मेरे को बेहोश कर दिया भाई, एकदम घायल कर दिया। जल्दी से पीछे की तरफ जाके देखते हैं। हाँ इधर हो सकता है शायद। नहीं भाई, इधर भी नहीं है। इधर भी क्लियर है, तो हम लोग फिर उसको कहाँ पर ढूंढे? इसका मतलब वो हमारे घर पर तो नहीं है। हाँ दोस्तों, मैंने अपना पूरा घर छान मारा, लेकिन वो यहाँ पे है ही नहीं। शायद वो यहाँ से चला गया होगा भाई, इन सबको मार कर। दोस्तों, इतने सारे डायनासोरों में से अगर बचे हैं तो केवल दो डायनासोर, एक तो ये खड़ा है और एक और है भाई छत पे। ये देखो कहाँ पे जाके छुप गया। मिस्टर मीट भी इसको खुद नहीं ढूंढ पाया भाई। वैसे भाइयों, मिस्टर मीट ने अपने दोस्त को भी बुला लिया है, जिसका नाम है सायरन हेड। वो बहुत जल्द हमारी सिटी में आने वाला है भाई, वो तो उससे भी ज़्यादा बड़ी मुसीबत है। इसलिए भाई चलते सीधे अपने नए घर पर, और वहाँ पे जाके अपनी फौजी वाली ड्रेस पहनेंगे। तभी तो लगेगा ना भाई कि मर भी गए तो शहीद हो जाएंगे, ऐसा ही कुछ। वैसे सायरन हेड की आने की सूचना तो बहुत पहले ही मिल गई थी, इसलिए मैंने पिछली रात को ही भाई अपना हेलीकॉप्टर लेकर पूरे जुरासिक पार्क को छानना चाहा, क्योंकि अगर सायरन हेड कहीं पर छुप सकता है तो वो है जुरासिक पार्क। क्योंकि भाई लकड़ी और उसका शरीर दोनों एक जैसे मिलते जुलते हैं, इसलिए भाई ये उसके लिए बेस्ट जगह है छुपने के लिए। मैंने भाई पूरा जंगल छान मारा, लेकिन ना तो मेरे को मिस्टर मीट दिखा और ना ही वो क्या बोलते हैं उसको, सायरन हेड का बच्चा। अभी पता नहीं भाई वो कहाँ पे चला गया, शायद अभी तक आया भी ना हो। चलो इसको छोड़ो, हम लोग तो पहुँच चुके हैं हमारे नए घर पर। वैसे भाइयों, आप लोगों को मिस्टर मीट ज़्यादा खतरनाक लगता है या फिर सायरन हेड? कमेंट करके जरूर बता देना। अगर कमेंट भी ना कर सको तो भाई लाइक तो कर दो इस वीडियो को, कम से कम लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुँचे। और मैंने यहाँ पे कर लिए अपनी ड्रेस चेंज, यानी हम लोग बन चुके अब फौजी। लेकिन हमारी आर्मी किधर है भाई? यहीं पे तो छोड़ के गया था उन सबको। अरे भाई याद आया, मैं उन सबको भाई जुरासिक पार्क के लिए बोल के चला गया था। हाँ दोस्तों, अभी मेरे को भी वहीं पे जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जाएंगे विलेज के अंदर, क्योंकि भाई वहाँ पे मिस्टर मीट के होने के चांस बहुत ज़्यादा है। चलो भाइयों, चलते सीधे हमारे पुलिस के पास में, और हम लोग भी भाई कुछ ना कुछ सहायता करेंगे उनकी।
तो भाइयों हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे छोटे से गांव में और यहाँ पे तो सच में भाई ढेर सारी पुलिस वाले आए हुए हैं। ये देखो भाई अगर इतिहास की बात करी जाए ना तो इतने सारे पुलिस वाले कभी भी एक जगह पे इकट्ठा नहीं हुए, लेकिन पहली बार भाई मिस्टर मीट ने इतने सारे पुलिस वालों को आने पर मजबूर कर दिया क्योंकि मिस्टर मीट है ही इतना ज्यादा डेंजर। वैसे भाइयों मैंने कभी भी इनका पुलिस स्टेशन नहीं देखा, शायद अब मेरे को पुलिस स्टेशन मिल जाए क्योंकि भाई ये कतार यानी इतनी बड़ी लगी हुई है ना, शायद पुलिस स्टेशन तक लगी हो, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। चलो भाइयों चलते हैं और देखते हैं कि क्या इन पुलिस वालों का पुलिस स्टेशन मेरे को मिलता है क्या। अरे भाई सच में भाई ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है इनकी कतार, तो ये देखो कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है। वैसे भाई इतने सारे पुलिस वालों को भी आने का एक कारण है क्योंकि पिछली बार मिस्टर मीट ने भाई बहुत सारे लोगों को मार दिया था, एकदम भाई खा गया था, खून खराबा बहुत ज़्यादा हो गया था, उसने तो बच्चों तक नहीं छोड़ा भाई, किसी को भी नहीं छोड़ा था। इसलिए पुलिस वाले इस बार रिस्क नहीं लेना चाहते और अपना बदला भी तो लेना चाहते हैं ना। दोस्तों पिछली बार मिस्टर मीट ने हम सबको बेवकूफ़ बनाया, लेकिन इस बार हम लोग नहीं वो खुद बेवकूफ़ बनने वाला है। वो गलती कर दी भाई उसने हमारी सिटी में दोबारा से आकर, लेकिन वो अकेला थोड़ी आया है भाई, उसके साथ में सायरन हेड भी तो है ना। लेकिन अब हमारी फोर्स भी तो ताकतवर बन चुकी है ना भाई, पिछली बार तो पुलिस वालों के पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बार देखो भाई हमारे पास में शक्तिशाली टैंक भी है और पुलिस वालों की संख्या तो देखो भाई मैं खुद एकदम हैरान हो चुका हूँ। लेकिन अभी मेरे को सूचना मिली है कि भाई हमारे एयरपोर्ट पे यानी जो भी लोग आ चुके, अब पता नहीं भाई ये कौन सी मुसीबत है। वैसे मैं नहीं मानता कि भाई ज़ॉम्बी एक दूसरे को यानी इंसानों को काट कर वो ज़ॉम्बी बना देते हैं, क्योंकि मैं तो भाई कितनी बार गया हूँ ज़ॉम्बियों के पास में, लेकिन मैं तो ज़ॉम्बी नहीं बना। अब पता नहीं भाई क्यों, शायद मेरे अंदर कोई एंटीवायरस होगी। हाँ दोस्तों भाई तो एंटीटोड होगा मेरे अंदर। चलो यहीं पर रोक लेते हैं भाई, अंदर जाना यानी मुसीबत है भाई। सबसे पहले इसको पूछते हैं भाई ज़ॉम्बियों की संख्या कितनी है। वैसे फ्रैंकलिन भैया अंदर मत जाना क्योंकि इस बार ज़ॉम्बियों की संख्या 100 से भी ज्यादा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या ज़ॉम्बियों ने बच्चे दे दिए क्या? हाँ भाई उनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है और हम लोग ज्यादा देर तक एयरपोर्ट पर उनका कब्जा नहीं होने दे सकते। चलो भाई जो भी हो मेरे पास में है यानी ये पुलिस वाली कार और मैं सीधा ले जाकर इसको ठोकने वाला हूँ उन ज़ॉम्बियों के झुंड में। वैसे मेरे को धीरे धीरे ठोकना पड़ेगा वरना मैं कांच के बाहर निकल कर गिर जाऊंगा। वैसे कितने ज़ॉम्बी मरेंगे इससे? ओ भाई इनकी संख्या सच में 100 से भी ज्यादा है, मैंने भाई कितने सारे ज़ॉम्बियों को मार दिया। बस मेरे कार के अंदर मत बैठ जाना वरना ये पीछे से भाई मेरा गला दबा देंगे। अभी मेरे को धीरे धीरे करके लेके जाना पड़ेगा और वाह कितने सारे ज़ॉम्बी मर गए। अरे भाई ओ सेठ भाई मैं फिर से अटक चुका हूँ, मेरा पैर कार के अंदर फंस गया, अब क्या होगा, मेरी मौत तो पक्की है भाई इतने सारे ज़ॉम्बियों के बीच में, मैं अकेला नहीं लड़ पाऊंगा। वैसे ओ ये फिर से नीचे गिर गया। अरे भाई मैं हमेशा इस कार के ऊपर क्यों खड़ा नहीं हो पाता। चलो जो भी हो भाई इसको छोड़ो, मेरे पास में इस बार एक बहुत बड़ा ट्रक है, वहाँ से जान बची तो भाई लाखों पाए, लेकिन इस बार मैं उन सबको यानी कुचल दूंगा इस ट्रक की मदद से। जो भी हो भाई हम यानी बदला जरूर लेंगे भाई उनसे, मेरे को जो भी बनाने की कोशिश की ना उन लोगों ने, अब देखो मैं उनको कैसे सबक सिखाता हूँ। वैसे इसको भी धीरे धीरे ठोकना पड़ेगा वरना फिर से मैं अटक जाऊंगा। और ये हुई टक्कर, अरे भाई इन लोगों ने तो मेरे ट्रक को ही उठा लिया। क्या ज़ॉम्बी है भाई, इनके सामने तो हम नहीं टिक पाएंगे भाई। दोस्तों मुझे ट्रक के पीछे आकर छुपना ही पड़ा, अब शायद ज़ॉम्बियों की संख्या कम हो चुकी है इसलिए हम लोग भाई दोबारा से इस ट्रक के अंदर बैठेंगे। अरे अरे रुक जाओ, मेरे को मत मारो यार तुम लोग, एक बार ट्रक के अंदर बैठ जाने दो फिर तुम लोगों को भी कुचल डालूंगा मैं। चलो जो भी हो भाई ज़ॉम्बी लोग तो मर चुके हैं, बस ये इक्के दुक्के ज़ॉम्बी बचे हैं, इनका भी खेल खत्म करते हैं, अभी बहुत हुआ भाई। ये लो ओ ज़ॉम्बी लोग तो हवा के अंदर उछल रहे, अब मर गए क्या? हाँ सभी ज़ॉम्बी मर चुके हैं और इनका खात्मा हो चुका है। चलो हमारा एयरपोर्ट तो ज़ॉम्बी मुक्त हुआ ना, अभी चलते हैं हम लोग सीधे जुरासिक पार्क में हमारे साथियों के पास में। अब ये किसका कॉल है? हाँ भाई बोल। फ्रैंकलिन भैया मिस्टर मीट और सारे हेड मिल गए हैं, वो दोनों बीच पे हैं, जल्दी से आ जाओ। दोस्तों हम लोग जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है, मिस्टर मीट और सारे हेड दोनों मिल चुके हैं बीच पर, अब हम लेंगे उनसे अपना बदला। उन लोगों ने बहुत खून बहाया है ना, अब उनका खून बहने वाला है। दोस्तों मिस्टर मीट ने मेरे डायनासोरों के एक परिवार को मारा और तो और हमारे सिटी के लोगों को भी मारा, अब हम लोग उनको नहीं छोड़ेंगे भाई, आखिर वो आ ही गए भाई दोनों के दोनों। तो चलो चलते एक बहुत बड़ी जंग के अंदर। तो भाइयों सबसे पहले हम लोग जाएंगे जुरासिक पार्क में, वहां से उठाएंगे हमारी सबसे ताकतवर सेना और पुलिस वालों की सेना और हमारी सेना मिलकर उन दोनों शैतानों को मार कर गिराएगी, यही हमारा मकसद है। तो भाइयों इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो आज
का वीडियो यहीं पे समाप्त करते, मिलते एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।